यूरो कप के दौरान फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐसा क्या किया कि दो ही शब्द से कोका कोला की हालत खराब हो गई और कोका कोला को लगा 30,000 करोड़ का झटका। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फुटबॉल का सीजन चल रहा है और यूरो कप खेला जा रहा है। इसी बीच पुर्तगाल टीम के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जैसा कि वो हर मैच के पहले और बाद में किया करते हैं। रोनाल्डो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली टेबल पर आए तो वहां पर माइक के साथ दो कोका कोला की बोतल और एक पानी की बोतल रखी थी, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। रोनाल्डो ने वहां रखी दोनों बोतल की कोका कोला की बोतल को हटा दिया और पानी की बोतल को उठाकर कहा ड्रिंक वाटर, और इसी घटना के बाद कोका कोला कंपनी के शेयर करीब 30,000 करोड़ नीचे गिर गए और कंपनी को बहुत बड़ा झटका लगा। दोस्तों, यह जानकारी जानकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोज़ को देखने के लिए।